आज हम जीडी सोशल स्टडीज़ के यूनिट 5 जियोग्राफी एंड द वर्ल्ड का लेसन 3 पढ़ेंगे, जो कि है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम रेवोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस ऑफन हैपन व्हेन पीपल आर अनहैप्पी अबाउट द कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हैं वो ज़्यादातर तब होती हैं जब लोग जो है अपने गवर्नमेंट के सिस्टम से खुश नहीं होते हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस मे आल्सो बी फ्यूल्ड बाय न्यू आइडियाज़ अबाउट हु इज़ बेस्ट सूटेड टू गवर्न। इसके अलावा पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस इस वजह से भी होती हैं कि जैसे जैसे न्यू आइडियाज़ जो हैं आते हैं, तो वैसे वैसे लोग सोचते हैं कि कौन जो है बेहतर तौर पर गवर्न कर सकता है, और इसलिए जो है पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशंस आते हैं। इन द एज ऑफ रेवोल्यूशंस मैनी पीपल वॉन्टेड मोर पोलिटिकल पावर। रेवोल्यूशन की एज में जो ज़्यादा लोग होते हैं उनको ज़्यादा पोलिटिकल पावर चाहिए होती है। अब हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। वन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज ब्रिटिश टैक्सेशन। एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन का वो था ब्रिटिश टैक्सेशन, यानी ब्रिटिश के जो टैक्स सिस्टम था अमेरिका में वो। ऑल्दो ब्रिटिश सिटीजन्स इन इंग्लैंड वर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, द अमेरिकन कॉलोनिस्ट डिड नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव्स इन दैट बॉडी। हालांकि इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सिटीजन थे उनको गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट किया जाता था, पर जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। द कॉलोनिस्ट बिलीव दैट दे शुड नॉट हैव टू पे द स्पेशल टैक्सेस लिवाइड ऑन देम सिंस दे हैड नो वॉइस इन डिटरमाइनिंग द टैक्स लॉस। जो कॉलोनिस्ट थे यानी जो अमेरिकन्स थे वो ये बिलीव करते थे कि क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही है टैक्स लॉस के हवाले से, और क्योंकि उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, तो वो जो इम्पोर्टेंट ये जो स्पेशल टैक्सेस हैं जो उन पे लगाए गए हैं वो उन्हें नहीं देने चाहिए। ऑल्दो द कॉलोनिस्ट बिगिन बाय आर्ग्यूइंग फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय 1776 दे हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्व अ सोवरेन नेशन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि जो कॉलोनिस्ट थे वो इस बारे में आर्ग्यू करना शुरू हो गए थे, यानी जो अमेरिकन्स थे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको रिप्रेजेंट किया जाए, 1776 में उन्होंने ख़ुद को जो है एक ख़ुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट जो है वो कंट्री डिक्लेयर किया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। रेवोल्यूशनरीज इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय डेमोक्रेटिक आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके साथ साथ जब अमेरिकन कॉलोनीज ने अपनी इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन दी थी, तो उसमें जो उन्होंने डेमोक्रेसी के हवाले से आइडियाज एक्सप्रेस किए थे उन्हीं आइडियाज से इंस्पायर होके फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज़ ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट की। अनलाइक इंग्लैंड फ्रांस हैड नो पार्लियामेंट, द फ्रेंच मोनार्क हैड एब्सोल्यूट पावर। जैसा कि हमने पहले सीखा था कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट थी जिसमें के जो ब्रिटिश लोग थे उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, पर जो फ्रांस था उसमें कोई पार्लियामेंट नहीं थी क्योंकि उसमें जो है मोनार्क की हुकूमत थी, यानी कि किंग की हुकूमत थी, और किंग के पास ही सारी पावर थी। द नोबिलिटी एंड चर्च हैड मैनी प्रिविलेजेस एंड पेड नो टैक्सेस, वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन्स पेड हैवी टैक्सेस एंड हैड फ्यू राइट्स और फ्रीडम्स। जो नोबल लोग थे यानी जो वेल्दी लोग थे और जो चर्च था उसको बहुत से प्रिविलेजेस हासिल थी उन लोगों को, और वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे। हालांकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे यानी जो आम इंसान थे उनको भारी टैक्स पे करने पड़ते थे, और उनके पास जो हकूक थे वो भी कम थे और कम फ्रीडम था। इन 1789 द फ्रेंच पीपल ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल
assembly, a law making body to represent them. 1789 में जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई, यानी ऐसी एक बॉडी गवर्नमेंट की जो कि उनके लिए कानून बनाए और उनको रिप्रेजेंट करे, यानी फ्रांस के लोगों को. व्हेन किंग लुई 16 फाउट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल असेंबली द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन. जब किंग लुई 16 ने उस नेशनल असेंबली की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई शुरू की, तो तब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है शुरू हुई. इट्स टर्मोइल लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, यानी कि इसका जो फसाद था, यानी जो लड़ाई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, यह 10 साल तक रही. अब हम रेवोल्यूशन इन लैटिन अमेरिका के बारे में सीखेंगे. इन लैटिन अमेरिका मैनी कॉलोनाइज्ड पीपल इंस्पायर्ड इन पार्ट बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस बिगन टू शेक ऑफ यूरोपियन रूल. लैटिन अमेरिका में बहुत से कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर यूरोपियन रूल को वहाँ पर हिलाना शुरू किया. इन हयाटी एंड आयलैंड इन द कैरेबियन सी स्लेव्स लेड बाय तोसियंथ ला ऑफ ओवरटर्न फ्रेंच रूल एंड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1804. 1804 में हयाती, जो कि एक आइलैंड है कैरेबियन सी में, वहाँ के स्लेव्स जिनका जो लीडर था वो तोसियन था, उन्होंने मिलकर जो फ्रेंच रूल था वहाँ पर उसे ख़त्म किया और एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो बने. मैक्सिकन रेवोल्यूशनरीज फाइनली वॉन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन इन 1821. 1821 में जो मैक्सिकन रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो स्पेन से हासिल की. इन साउथ अमेरिका रेवोल्यूशंस रॉक्ड द कॉन्टिनेंट अंटिल 1824, बाय विच टाइम मोस्ट कंट्रीज हैड गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस. साउथ अमेरिका में जो रेवोल्यूशंस थी उन्होंने मतलब काफ़ी रॉक किया उस कॉन्टिनेंट को, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर साउथ अमेरिका में रेवोल्यूशंस जो थी वो हो रही थी 1824 तक. और 1824 तक जो बहुत ज़्यादा ज़्यादातर जो कंट्रीज थी वहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल कर ली थी. नेक्स्ट अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सीखेंगे. इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस आर नॉट ऑलवेज पॉलिटिकल. जो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर बार पॉलिटिकली तौर पर हों. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द लेट 1700s इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री व्हेन न्यू इक्विपमेंट वाज इन्वेंटेड फॉर स्पिनिंग थ्रेड एंड वेविंग क्लोथ. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 1700s में स्टार्ट हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जब जो है थ्रेड यानी धागे को स्पिन करने के लिए और क्लोथ को यानी कपड़े को बनाने के लिए न्यू इक्विपमेंट जो है वो इन्वेंट किया गया. इंस्टेड ऑफ वर्कर्स यूजिंग देयर ओन टूल्स एट होम, फैक्ट्रीज कुड हाउस मैनी वर्कर्स यूजिंग मशीन्स टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर क्वान्टिटीज. अब जो है फैक्ट्रीज जो हैं बहुत से लोगों को जो है वो मशीन्स प्रोवाइड करके फैक्ट्री में जो है वो प्रोड्यूस कर सकती थी ज़्यादा बड़े पैमाने पे क्लोथ, बजाय इसके कि वर्कर्स जो हैं अपने घरों में अपने टूल्स से जो है वो कपड़ा बनाएं. दिस फैक्ट्री मॉडल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्प्रेड अलोंग विद स्टीम इंजन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो फैक्ट्री का मॉडल था ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है स्प्रेड हुआ स्टीम इंजन्स और इलेक्ट्रिसिटी के साथ. वर्कर्स मूव्ड इनटू फैक्ट्री टाउन्स एंड सिटीज़ टू वर्क फॉर वेजेस. जो वर्कर्स थे वो ज़्यादातर ऐसे टाउन्स में मूव होने लगे जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं या सिटीज़ में, ताकि उनके काम के लिए उनको सैलरीज मिलें. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अ मिक्सचर ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, यूजफुल इन्वेंशंस, इंक्रीजिंग वेल्थ एंड न्यू सोशल मोबिलिटी वर ऑफसेट बाय डेंजरस फैक्ट्री जॉब्स, चाइल्ड लेबर, क्राउडेड सिटीज एंड पॉल्यूशन. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स का मिक्सचर लेकर आई, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स भी थे और उसके साथ साथ उसकी कोई प्रॉब्लम्स भी थी. जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट है यूजफुल इन्वेंशंस, के ऐसी इन्वेंट
हुई चीज़ें जो कि यूज़फुल साबित हुई। इसके अलावा वेल्थ इंक्रीज़ हुई, न्यू सोशल मोबाइलिटी व ऑफसेट, जो नए तरीके की मोबाइलिटी यानी कार्स व्हीकल्स वगैरह जो हैं वो इन्वेंट हुई। पर इसके साथ साथ डेंजरस फैक्ट्री जॉब्स, फैक्ट्री की जो जॉब्स थी वो डेंजरस होती गई, चाइल्ड लेबर बढ़ा, जो सिटीज़ थे वो और ज़्यादा क्राउडेड हो गए और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो ब्रॉट स्वीपिंग सोशल चेंजेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जो सोशली तौर पर भी बहुत से चेंजेस जो हैं वो आए। द इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी हैड बीन फार्म लैंड, यानी कि जो यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी थी यानी जो यूरोप के जो नोबल लोग थे जो कि पावर में थे, उनकी जो इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो फार्मलैंड था। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली देन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है इम्पोर्टेंट हो गया। थस द मर्चेंट क्लासेस बिकेम मोर पावरफुल, और यही रीज़न था कि जो मर्चेंट क्लासेस थे यानी वो लोग जो ट्रेडिंग करते थे एक जगह से दूसरे जगह जो है वो चीज़ों को लेके जाते थे, प्रोडक्ट्स और गुड्स को बेचते थे, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। न्यू आइडियाज़ अबाउट पॉलिटिकल इक्वलिटी अफेक्टेड हाउ पीपल थॉट अबाउट सोशल इक्वलिटी एज वेल। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इक्वलिटी के जो न्यू आइडियाज़ थे उन्होंने जो है लोगों की इस सोच को भी अफेक्ट किया कि सोशल इक्वलिटी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जीडी सोशल स्टडीज़ के यूनिट 5 जियोग्राफी एंड द वर्ल्ड का लेसन 3 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको इसकी समझ आई हो।